बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच, पाकिस्तान के पास एक बड़ा मौका है। पाकिस्तान ये मैच जीतकर एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, बड़ी छलांग लगा सकती है पाकिस्तान की टीम। क्या अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास, आज के इस प्रोग्राम में ना सिर्फ हम वो डिस्कस करेंगे बल्कि आपको बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान की टीम में कोई तब्दीली मुमकिन है। क्या सऊद शकील या मोहम्मद नवाज या ये दोनों जो हैं ये पाकिस्तान टीम में वापसी कर सकते हैं। इस मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 प्रोबेबल क्या होगी, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान खेलेगा दुनिया की दो खतरनाक टीमों के खिलाफ, यानी एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरी न्यूजीलैंड, इन दोनों टीमों के खिलाफ पाकिस्तान मैचेस खेलेगा और इसका शेड्यूल जारी कर दिया आईसीसी ने, इस हवाले से भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayatshow और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। लेकिन जनाब, प्रोग्राम में बिल्कुल स्टार्ट में मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे जो व्यूअर्स हैं इंडिया से, उन सबको, कि इंडिया ने आज एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव किया है। जो चंद्रयान 3 उन्होंने साउथ पोल ऑफ मून पे आज सक्सेसफुल लैंडिंग की है और इंडिया फर्स्ट नेशन बन गई है जिसने यह कारनामा सर अंजाम दिया है, यानी साउथ पोल पे जाने के लिए, और वैसे चांद पे लैंड करने वाली चौथी नेशन बन गई है। सो आप सबको बहुत बहुत मुबारक एंड होपफुली और ज्यादा हमारा हमसाया तरक्की करेगा, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि उस तरक्की के पॉजिटिव असरात हम तक पहुंचेंगे, नेगेटिव असरात हमारे तक नहीं पहुंचेंगे। बहरहाल बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ओडीआई मैच होना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईसीसी ने वार्म अप मैचेस जो है वर्ल्ड कप के उनका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है और पाकिस्तान दो वार्म अप मैचेस खेल रहा है। पहला मैच पाकिस्तान 29th को खेलेगा, 29th ऑफ सितंबर को पाकिस्तान का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड के साथ और ये मुकाबला हैदराबाद में ही होगा। और उसके बाद फिर दूसरा मैच पाकिस्तान 3 अक्टूबर को खेलेगा और ये मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सो ये दोनों वार्म अप मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान को पाकिस्तान की फरमाइश पे दिए गए हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने ये कहा था कि आप हमारा वार्म अप मैच अफगानिस्तान के खिलाफ ना रखें क्योंकि हमने 3 मैचेस अफगानिस्तान से पहले खेलने हैं, ओडीआईज खेलने हैं, उसके बाद एशिया कप में भी खेलना है, तो आप हमारा किसी दूसरी टीम यानी जो सब कॉन्टिनेंट से बाहर टीम है उससे हमारे मैचेस रखिए। तो आईसीसी ने ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कबूल कर ली थी और इसी वजह से अब ये आईसीसी के जो वार्म अप मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला करने का मौका मिलेगा। बहुत जबरदस्त तगड़ी तैयारी कर सकता है जी पाकिस्तान और मेरे ख्याल में इस चीज के ऊपर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खासा खुश होगा, पाकिस्तान टीम भी, और ऑब्वियसली हम सब भी खुश हैं कि हमें वर्ल्ड कप से पहले ही दो जो वार्म अप मैचेस हैं वो भी जरा पता चलेगा कि हमारी टीम कितने पानी में है। दुनिया की दो खतरनाक टीमें हैं ऑब्वियसली, और दोनों के बारे में ये बात कुछ लोग कहते हैं जी दोनों सेमीफाइनल में पहुंचने की अहल है। बहरहाल दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो जनाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें हम्बन टोटा में एक बार फिर एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी। तो हम्बन टोटा जो है उसका वेदर कैसा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आज इंडिया और आयरलैंड का मैच, जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक वो मैच नहीं स्टार्ट हो सका ड्यू टू द रेन, आयरलैंड में बारिश हो रही है। तो हमारा भी, हम चाहते हैं कि खतरा ऐसा ना हो जाए कि खुदा ना खास्ता हमारा जो है कोई मैच जो है वो बारिश की नजर हो। मैच तीनों होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास अब ये बड़ा मौका है कि पाकिस्तान ये दूसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ जीतकर पाकिस्तान की टीम नंबर 1 रैंकिंग पे आ जाएगी, नंबर 1 बन जाएगी उस अगले मैच तक के लिए, यानी तीसरे ओडीआई तक के लिए। और अगर फिर पाकिस्तान की टीम तीसरा ओडीआई भी जीत जाती है अफगानिस्तान के खिलाफ तो फिर पाकिस्तान उस जगह पे पक्की हो जाएगी और फिर पाकिस्तान होपफुली वर्ल्ड कप तक जो है वो पहले नंबर पर रहेगी या एशिया कप तक कम से कम पहले नंबर पर रहेगी। सो इसलिए पाकिस्तान को यह मैच जीतना है, जरूर जीतना है,
और ये मैच जीतने के लिए अब पाकिस्तान को करना क्या है, पाकिस्तान को क्या कोई तब्दीली करनी चाहिए। देखिए जितना मैं बाबर आजम को समझता हूं ना, मुझे नहीं लगता कि दूसरे मैच में वो कोई तब्दीली करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि आप किसी एक, आपके पास यही मौका है कि आप इसी सीरीज में जो भी तजुर्बा करना चाहें वो कर सकते हैं। और अगर बाबर आजम ये करना चाहें तो दो तब्दीलियां पाकिस्तान की टीम में पॉसिबल है। उसमें एक तब्दीली जो पॉसिबल है वो सऊद शकील जो है वो आ सकते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 फिर क्या होगी। प्लेइंग 11 में फखर और इमाम ऑब्वियसली ओपन करेंगे, और तीसरे नंबर पे बाबर आजम होंगे, चौथे नंबर पे फिर सऊद शकील को टीम में शामिल किया जाएगा, और मोहम्मद रिजवान पांचवें नंबर पे चले जाएंगे, मोहम्मद रिजवान पांचवें नंबर पे चले जाएंगे और सऊद शकील मोस्ट प्रोबेबली चौथे नंबर पे खेलेंगे। सऊद शकील का आना बहुत जरूरी है क्योंकि चौथी पोजीशन ओडीआई में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है भारत में इस चौथी पोजीशन को लेकर के बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, और चौथी पोजीशन पे कोई ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जो स्पिन को बहुत अच्छे तरीके से खेल सके, क्योंकि दुनिया में जितने भी चौथे नंबर के प्लेयर्स होते हैं ना जी, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं। उसकी वजह यह होती है कि जब उनका नॉर्मली नंबर आता है ना तो 20 25 30 ओवर्स गुजर चुके होते हैं और नॉर्मली स्पिनर्स बॉल कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को एक ऐसा तगड़ा बल्लेबाज नंबर चार पे चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगी, ये होगा, ये करना पड़ेगा, इस मैच में पाकिस्तान करे या अगले मैच में करे, करना जरूर पड़ेगा। तो सऊद शकील जो है उनको आप चौथे नंबर पे खिलाएं, आपका ये मिडिल ऑर्डर का मामला काफी हद तक फिक्स हो सकता है। पांचवें पे आप ले जाइए, ऑब्वियसली आपके पास चॉइस है कि पांचवें नंबर के ऊपर आप एक ही चॉइस है और वो है मोहम्मद रिजवान। छठे नंबर के ऊपर आप अब इट्स अप टू बाबर आजम के सऊद शकील की जगह जो है मतलब सऊद शकील को किसकी जगह शामिल करते हैं, इफ्तिखार की जगह शामिल करते हैं या सलमान अली आगा की जगह। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सलमान अली आगा की जगह ही उनको शामिल किया जा सकता है राइट नाउ, और उनकी जगह फौरी तौर पे मुझे नहीं लगता कि इफ्तिखार को रिप्लेस किया जाएगा। सो इफ्तिखार क्योंकि थोड़ा क्लोजिंग भी कर सकते हैं और पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, तो इफ्तिखार को रखा जाएगा छठे नंबर के ऊपर। सातवें नंबर के ऊपर आपको एक बार फिर शादाब खान ही बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, पिछले मैच में फील्डिंग भी शानदार, बैटिंग भी अच्छी, पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने इनिंग्स खेली थी, और उसके बाद फिर एक विकेट भी ली बॉलिंग करते हुए। सो वो हो सकते हैं, और उसामा मीर की जगह पाकिस्तान कैन ट्राई हमारे जो मोहम्मद नवाज हैं उनको ना शामिल करने की एक वजह हो सकती है, और वो वजह यह है कि उनकी इनकी टीम में कुछ लेफ्ट हैंडर्स हैं अफगानिस्तान की टीम में, तो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट आपको पता है मिडिल ऑर्डर में जो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके अगेंस्ट बाजुका जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलना, लेकिन मोहम्मद नवाज को शामिल किया जा सकता है, उनको मौका दिया जा सकता है। उसामा मीर जो पहले मैच में हमें नजर आए हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल से नजर आए हैं, और थोड़ा बैटिंग का इश्यू भी हमें नजर आया है कि बैटिंग में हमारी वो डेप्थ नहीं रहती अगर हम उसामा मीर को खिलाते हैं, तो उसामा मीर या तो खेले तो मतलब ये है कि किसी और फास्ट बॉलर की जगह खेले तो तब बात बनती है, क्योंकि अदरवाइज हमारी बैटिंग का एक प्रॉपर जो नंबर सात नंबर आठ बल्लेबाज है यानी मोहम्मद नवाज वो हमारे लिए हमसे चला जाएगा अगर हम उसामा मीर को लेके आते हैं, क्योंकि उन्होंने कल बैटिंग भी कोई खास नहीं की, बॉलिंग में भी वो कुछ मतलब करते हुए नजर नहीं आए, तो मेरे ख्याल में उनको रखना चाहिए साथ में, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर आप मोहम्मद नवाज को लें तो मोहम्मद नवाज कैन बॉल वेल, और इसके अलावा वो अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकता है, ओडीआई में उसको मौका मिले टॉप ऑर्डर में भी जाके जहां जरूरत पड़े वो खेल सकता है, सो एक फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर में वो बड़ा फिट आता है, सो उसको मौका दिया जा सकता है। और जहां तक फास्ट बॉलर्स की बात है तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स को पाकिस्तान चेंज नहीं करेगा, एक आध को रेस्ट दे के शामिल किया जा सकता है, मोहम्मद वसीम जूनियर को लाया जा सकता है, फहीम अशरफ को लाया जा सकता है, लेकिन दूसरे मैच में मेरे ख्याल में इतने ज्यादा तजुर्बे नहीं होंगे और ना ही करेंगे पाकिस्तान की टीम। ये भी मैंने आपको परसेप्शन बताई है कि ये पॉसिबल है, अगर पाकिस्तान चाहे तो इन दो चेंजेस के साथ भी पाकिस्तान की टीम
अफगानिस्तान को हरा सकती है, इससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन लोग कुछ कह सकते हैं कि सलमान अली आगा सिर्फ एक मैच में नाकाम हुआ है ना जी, तो आप उसको बाहर कर देंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बाहर करें, वो भले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, लेकिन यहां पे आपको साउथ शकील को टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। आपने वर्ल्ड कप में जाना है, आपने एशिया कप में जाना है, अगर सलमान अली आगा मुस्तकिल ही नहीं चलते तो आप अचानक उसको मैदान में उतारेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो उसका देखना पड़ेगा। साथ में वो तैयब ताहिर मौजूद है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी उसको ट्राई करें, वाई नॉट, निकालें इफ्तखार और इसको इफ्तखार को और सलमान अली आगा को, इन दोनों की जगह इन दो नौजवानों को शामिल करें और ट्राई करें, इनके साथ ट्राई करें कि आगे एशिया कप में भी आपके पास बैकअप प्रॉपर है, वर्ल्ड कप में भी आपके पास बैकअप प्रॉपर है, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप के लिए भी टीम का ऐलान करना। और बाबर ने यह कहा है कि हम सब लोगों को मौका देंगे, तो सब लोगों को मौका देने से यही मुराद है कि हम वर्ल्ड कप से पहले पहले इनको जज करेंगे कि किस किस को हमें वर्ल्ड कप में भी अपनी टीम का हिस्सा बनाना है। बहरहाल जी, अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में, और मेरी प्रेडिक्शन जो है वो इंशाल्लाह अगेन पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। हालांकि दिल को मेरे कुछ होता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।